हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं देवउठनी एकादशी कब है और इसका क्या महत्व है? तो चलिए जान लेते हैं। आज कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी तिथि श्री हरि विष्णु को समर्पित है। हर एकादशी का अपना अलग महत्व है। इस तरह से कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की लंबी निद्रा से जागते हैं, इसलिए इस एकादशी को देवोत्थान या देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आम भाषा में इस देवउठनी को ग्यास या देवोत्थान के नाम से जाना जाता है। इस बार देवोत्थान एकादशी 4 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार को पड़ रही है। आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी की तिथि, मुहूर्त और पूजा विधि का महत्व क्या है। देवउठनी एकादशी पूजा विधि। देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करते हुए व्रत का संकल्प लें। श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के समक्ष उनके जागने का आह्वान करें। सायंकाल में पूजा स्थल पर घी के 11 दिए देवी देवताओं के समक्ष जलाएं। यदि संभव हो सके तो गन्ने का मंडप बनाकर बीच में विष्णु जी की मूर्ति रखें। भगवान हरि को गन्ना, सिंघाड़ा, लड्डू जैसे मौसमी फल अर्पित करें। एकादशी की रात एक घी का दीपक जलाएं। देवउठनी एकादशी की तिथि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रारंभ 3 नवंबर गुरुवार शाम 7:30 पर, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 4 नवंबर शुक्रवार शाम 6:08 पर है। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर देवउठनी एकादशी व्रत 4 नवंबर को रखा जाएगा। क्या आप जानते हैं ग्यास के दिन ही तुलसी विवाह भी होता है। घरों में चावल के आटे से चौक बनाया जाता है। गन्ने के मंडप के बीच विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। पटाखे चलाए जाते हैं। देवउठनी ग्यास को छोटी दिवाली के रूप में भी जानते हैं हम सब लोग। देवउठनी या देव प्रबोधिनी ग्यास के दिन से मंगल आयोजनों के रुके हुए रथ को पुनः गति मिल जाती है। कार्तिक शुक्ल का एकादशी का यह दिन तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन पूजन के साथ ही यह कामना की जाती है कि घर में आने वाले मंगल कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। तुलसी का पौधा चूंकि पर्यावरण तथा प्रकृति का भी द्योतक है, अतः इस दिन यह संदेश भी दिया जाता है कि औषधीय पौधे तुलसी की तरह सभी में हरियाली और स्वास्थ्य के प्रति सजगता का प्रसार हो। इस दिन तुलसी के पौधे का दान भी किया जाता है। 4 महीनों के शयन के पश्चात जागे भगवान विष्णु इस अवसर पर शुभ कार्यों के पुनः आरंभ की आज्ञा दे देते हैं। भारतीय पंचांग के अनुसार एकादशी की तिथि का महत्व यूं भी बहुत है, अतः इस दिन को विशेष पूजा अर्चना के साथ मनाया जाता है। इस दिन से विवाह के अतिरिक्त उपनयन, गृह प्रवेश आदि अनेक मंगल कार्यों को संपन्न करने की शुरुआत कर दी जाती है। इस दिन पूजन के साथ व्रत रखने का भी बड़ा महत्व है। महिलाएं इस दिन आंगन में गेरू और खड़ी से मांडड़े सजाती हैं और तुलसी विवाह के साथ ही गीत और भजन आदि के सभी उत्सव मनाते हैं। तो चलिए लास्ट में जान लेते हैं क्यों खास है देवउठनी एकादशी। ऐसा माना जाता है, ऐसी धार्मिक मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह की निद्रा से जागते हैं। इसी कारण भगवान विष्णु के शयन काल की अवधि में 4 महीनों तक विवाह, गृह प्रवेश आदि संबंधित मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आया आपको समझ में? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लास्ट में जान लेते हैं देवों को उठाने का मंत्र। उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपते त्वयि शुभते जगन्नाथ जगत शुभतम भवेदितम। उत्तिथ्य चेष्टे सर्व मुक्तिष्ठे तिष्ठ माधव गता मेघा व्यच्ययो निर्मलम निर्मला दिशः शारदानी च पुष्पाणि ग्रहाण मम केशव।
इसकी जगह पर आप उठो देवा बैठो देवा कहकर भी श्री नारायण को उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।